दोस्तों, आज अब हम अपनी यूटेट और अदर एग्ज़ाम की सीरीज में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि लॉग से रिलेटेड है। इसमें क्या लिखा है, लॉग सफिक्स में बेस में लिखा है रूट टू और फिर उसके आगे लिखा है रूट एट। तो ये रूट टू का मतलब क्या होता है, बेस क्या होता है? बेस का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा लॉग टेन इक्वल टू वन, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे लॉग ई इक्वल टू वन पढ़ा होगा, तो इसमें लॉग टेन का मतलब वन किस कारण से होता है ये देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा लॉग टेन इक्वल टू वन, ये वन तब होगा जब इसका बेस टेन होगा, यानी कि जो ये बेस और ये जो संख्या होती है अगर वो सेम है तभी इसकी वैल्यू वन होगी, नहीं तो वन नहीं होगी। अब मान लीजिए हमने लिखा लॉग बेस टू और इसकी वैल्यू 10, तब इसका मान 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको 1 लिखना है तो यहाँ पर बेस की जगह 10 होना चाहिए, बेस जो संख्या आगे है वही बेस में होनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, तो नहीं होगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, देखिए ये आपने पढ़ा ही होगा लॉग एम इंटू एन इंटू पी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉग के अंदर अगर गुणा में है कोई संख्या है तो उसका क्या होता है, इसका हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ठीक है, ये ऐसे खुल जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, अब देखिए इसमें क्या है, बेस क्या है रूट टू, तो ये इसकी वैल्यू तो वन हो नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि बेस में क्या है रूट टू, अगर यहाँ पर संख्या रूट टू हो जाए तब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं होता, जो जो बेस है उसी को हमें लाना है ऊपर, संख्या में लाना है सॉल्व करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे चार्ट वैल्यू दे रखी हो तो हम उससे देख के निकालें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो सिंपल क्या है, लॉग नीचे बेस में रूट टू लिख दिया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एट को, रूट एट को देखो आपको मैंने बताया टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टू रूट टू रूट टू हो गया ना, रूट टू रूट टू, देखो रूट टू रूट टू और रूट टू को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट एट या फिर टू रूट टू, क्योंकि दो इसमें से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, देखो सिंपल, तो ये क्या लग गया, लॉग बेस रूट टू और ये रूट टू रूट टू और ये रूट टू, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एम एन पी, अब मैंने आपको बताया था लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, तो क्या जाएगा, लॉग बेस में रूट टू और ऊपर रूट टू आ जाएगा प्लस लॉग बेस में रूट टू और ऊपर रूट टू आ जाएगा प्लस लॉग बेस में रूट टू, ठीक है, यहाँ आप खुद लिख लीजिएगा और आगे रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि अगर लॉग और बेस में रूट टू जो है और वही संख्या आगे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो ऐसे करके ये तीन थे तो क्या हो जाएगी, वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया, थ्री। इसका आंसर क्या हो गया, थ्री। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या कि क्या होता है इसमें, ये होता है कि लॉग के बेस में जो है, ठीक है, वही संख्या आगे आनी चाहिए तब इसकी वैल्यू वन होगी। आपसे अधिकतर क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे इनमें सब में यही होगा कि लॉग के बेस में जो होता है ना, जैसे बेस में ये है रूट टू तो हमें ऊपर रूट टू बनाना है कैसे ना कैसे करके, ठीक है, और बाकी उसकी वैल्यू लग जाती है। लॉग एम इंटू एन क्या होता है, ठीक है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, ये सब फॉर्मूले मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी आप इसमें समझ लिए लॉग एम इंटू एन इंटू नहीं लॉग एम एन पी इंटू में क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ठीक है, आप समझ गए ना, जो बेस है उसी को बनाना आगे संख्या, तो वो कैसे बन जाती, तो उसके लिए क्या कर दिया था, लॉग रूट टू और इसको रूट टू रूट टू और रूट टू, बस इसको खोल दिया, सॉल्व हो गया आंसर, ठीक है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिएगा इसमें, ठीक है, मैं आपके सामने कोई और सॉल्यूशन ले आऊँगा। थैंक यू।